हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर आपके बीच में है मेरे भाई बहनों। आज हम देखेंगे इस वीडियो के द्वारा कि किस तरह से हम प्रार्थना सभा में हम किसी को दुख नहीं देते परंतु हमें किस तरह से दुख दिया जाता है, और प्रार्थना सभा को रोककर नारे लगाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है, परंतु प्रभु की नहीं शैतान की। तो इस वीडियो को देखें और अपनी राय दें और प्रार्थना करें इन भाई बहनों के लिए। तो सबको जय मसीह की। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं, हम लोग तो इंडियन हैं ही नहीं, यही लोग हैं जो इन्हीं का है। एक वक्त का भोजन दे करके धर्म बदलवाना, ये कहाँ की उचित है इनका। India has witnessed a significant rise. कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता अथिन हेल गेलिए सब मसीने। कौन है ये शैतान? शैतान हर को रहा है, हम तो मर रहे थे ता। कैमरे पर अंधविश्वास से भरा हुआ ये बयान दिया है देवी ने, जो बिहार के गया में बेलवा टांड गांव की रहने वाली है। देवी सिर्फ ऐसी एक महिला नहीं है, ये एक दलित गांव है और इस गांव के लगभग 90% परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, और ईसाई धर्म अपनाने वाले ज्यादातर लोग दावे कर रहे हैं कि उनके परिवार का सदस्य बीमार था और किसी चमत्कार से बीमारी ठीक होने पर वो धर्म बदल रहे हैं। केवला देवी यही इस गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था, और इनका भी दावा यही है कि वो अस्पताल से नहीं, डॉक्टर से नहीं, बल्कि प्रार्थना से ठीक हो गई। सरकार देश में हेल्थ सिस्टम खड़ा करने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार करती है, लेकिन इस अंधविश्वास से भरे हुए दावों को जरा ध्यान से सुनिए। अस्पताल भी तो ले जा सकती थी बच्चे को ना, तो फिर हिंगे से ठीक हो गया तो हम अस्पताल कहाँ ले जाओ, गरीब आदमी पैसा है ना। तो आपके प्रार्थना करने से ठीक हो गया आपको लगता है? हाँ, प्रार्थना किया बस उठ के बैठ गया, एकदम मन चेहरा बेस लगे लगा। क्या प्रार्थना किया था आपको याद है? आती प्रार्थना करे हालेलुया 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 ऐसे कर करके हमारा उतना भी ना हो रहा हो नया नया। ये बताइए कि आप ईसाई धर्म क्यों अपनाई, क्या वजह थी? आपके घर में कोई बीमार था? हाँ, बीमारी से ऐसे जब ने तब अस्पताल ले गयी इलाज कराने? अस्पताल नहीं ले गया, जब ने तब तो ले जाता है, तब भूत रोग बताता है, भूत ने जाता है तो रोग कवा अथी देवा से जाता है। भूत प्रेत के कारण आप अस्पताल में नहीं ले गयी, तो ओझा गुनी से दिखवाई? हाँ, ओझा गुनी करते करते नी हो ले तो हमने रन हेल के लिए। ओझा गुनी से फायदा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो फिर किसी ने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लो तो ठीक हो जाओगे? हाँ हाँ। किसने कहा ये? कोई भी ना, हमने अपने मन से सब हिलाल हल तीन तहमानियों कले पूरा गांव हिल गेले तहमानियों हिल जीवे। जितने भी बयान सुनिए, अहम बात यही निकल कर सामने आई कि गरीबी, अंधविश्वास और अस्पताल डॉक्टर पर भरोसा ना होना धर्मांतरण की अहम वजह बना। पर बहुत पैसा था गले हमसे, 10,000-20,000 जहां भी डॉक्टर जो भी आदमी। वचन कहता है कि जितनों ने उसका नाम लिया और विश्वास किया उन सब ने उद्धार पाया, परंतु आज हम नाम ले रहे हैं वही सबसे बड़ा गुनाह इस दुनिया में हमारे लिए हो गया है। परंतु जो लोग हमारे लिए परमेश्वर की महिमा को रोकना चाहते हैं, प्रभु उनसे ज़रूर पलटा लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, जो यीशु मसीह के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करता है। न्याय करने वाले हम नहीं होते मेरे भाई बहनों, हमें सिर्फ दुआएं करनी है हर उन व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना ही करनी है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत है। आप जानते हैं कि हम प्रार्थना किसी भी कोने में कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कोठरी को बंद कर और गुप्त में जा, जहाँ गुप्त में तेरा पिता देखता है वो गुप्त में तुझे अनोखी बातें बताएगा और गुप्त में तेरी सुनता भी है। तो मेरे भाई बहनों, हमें आज भी ऐसे माहौल की ज़रूरत नहीं है, हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के अधीन और उसके वचनों पर चलना है। लाख हमें लोग नीचे गिराए परंतु परमेश्वर को हमें लेके चलते रहना है। हमें प्रार्थनाएं करनी है और हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, लाख हमारे पर आरोप लगे
चाहे कितना भी हम पे कोई भी कानून आए, परंतु हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार के लिए दुआएं करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए भी कोई कानून नियुक्त करे, ताकि हम खुल के प्रार्थना कर सकें और हर एक जन को प्रभु के बारे में बता सके। तो सबको जय मसीह की, हालेलुया। अपनी राय देते रहे और सबके लिए प्रार्थना करते रहे। यीशु के नाम में आमीन।